जी, अब मैं वापस अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हुए आपसे कुछ राजनीतिक सवाल पूछना चाहूंगा। हमने पिछले 50-60 सालों में भारतीय गणतंत्र में देखा अनेक क्षेत्रीय पार्टियां हैं और उनने अपने क्षेत्र में कार्य किया। आम आदमी पार्टी बहुत ही छोटे समय में बहुत अच्छी सफलता दिल्ली में पा पाई है, और उसके बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत जल्दबाजी है, हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की कोशिश कर रहे हैं? एक दूसरा, क्या आपको लगता है राष्ट्रीय स्तर पर आते हुए आम आदमी पार्टी एक सशक्त विकल्प और एक सशक्त भविष्य दे पाएगी देश को? नहीं, आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में राजनीति में एक बहुत ही सशक्त विकल्प जनता को निश्चित रूप से देगी। ये सही है कि कोई भी नई पार्टी जब बनती है तो उसे एक सही दिशा में विकसित होने का समय मिलना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में ग्रूमिंग पीरियड बोलते हैं, वो मिलना चाहिए। वो आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। पार्टी स्थापना के बाद तुरंत विधानसभा के चुनाव आए और अभी तुरंत लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ रहा। आप जब चुनावी राजनीति में उतरते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही पेचीदा स्थिति आ जाती है कि एक जगह पे आपको चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए खुद को आत्मविश्वास के साथ एक पोज करना पड़ता है, पोजीशन लेनी पड़ती है। वो पोजीशन अगर आप नहीं लोगे तो कई बार मीडिया और बाकी सारे लोग भी एक ऐसा मैसेज देना चाहते कि भाई ये स्पर्धा में नहीं है, ये स्पर्धा में नहीं है तो इनको वोट दे के क्या फायदा। तो हम स्पर्धा में है, पूरे देश भर में है, ये देने का भी एक विश्वास देना पड़ता है। और वो एक पेचीदा स्थिति का सामना अभी आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन जैसे ही ये लोकसभा चुनाव खत्म होंगे और महाराष्ट्र जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, मुझे निश्चित ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी को स्वराज की कल्पना को लेकर निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी अधिक से अधिक कैसे बने, ऐसी जो एक राजनीतिक क्रांति करनी है इस देश में, उस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा से काम करेंगे, जनता को विश्वास भी देंगे, जनता को निर्णय प्रक्रिया में अधिकाधिक भागीदारी भी देंगे और अमल की प्रक्रिया में जनता से भागीदारी भी मांगेंगे। और ऐसे चलते चलते आम आदमी पार्टी यहां के जनतंत्र को मजबूत करते हुए निश्चित रूप से एक आम आदमी की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। एक लंबी लंबे दौर की राजनीति आम आदमी पार्टी को करनी है, यह आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को मालूम है। चुनाव के समय जो निर्णय करने आवश्यक है वो किए हैं और बहुत ही विश्वास के साथ चुनाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है उसको लेकर आम आदमी पार्टी गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगी।